भूतनाथ मंदिर परिसर में हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान हेमलता पठानिया ने की। इस दौरान विकलांगों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। विकलांगों को उनके अधिकार प्राप्त हों, इसलिए बैठक में उनकी समस्याओं को सुना जाता है और सरकार के समक्ष उनके प्रत्येक मांग को रखा जाता है। हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था की जिला प्रधान हेमलता पठानिया ने बताया कि विकलांगों के लिए भवन की मांग को काफी अरसे से उठाया गया, लेकिन आज तक इसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब नई सरकार आ रही है और वे नई सरकार से मांग करते हैं कि विकलांग भवन को जल्द बनाया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन समय पर नहीं दी जा रही है, साथ ही पात्र व्यक्तियों को भी IRDP की सुविधा नहीं मिल रही है। हमारी मासिक बैठक जो है भूतनाथ सराय में हुई, जिसमें दिव्यांगों से संबंधित बहुत सी समस्याओं पर चर्चा की गई। सर्वप्रथम तो मैं आने वाली जो सरकार है हमारे, चाहे CM मंडी से बने चाहे कहीं से भी बने, हम उनको बधाई देते हैं और उनसे मांग करते हैं कि हमारी जो मांग चली आ रही है दिव्यांग भवन की, वो इस मांग को पूरा करेंगे, प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। और दूसरा मुद्दा जो है हमारा ये है कि जो हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है सरकार द्वारा जो दिव्यांगों को दी जा रही है, वो समय पर नहीं मिल रही है। लोगों को डेढ़ डेढ़ साल, आठ आठ महीने, नौ नौ महीने हो गए हैं, उनको पेंशन नहीं आ रही है। तो हम प्रशासन से और विभाग से मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द उनको पेंशनें दें। और तीसरी मांग है कि जैसे कि IRDP में लोग 20-20 वर्षों से एक ही परिवार के लोगों को जो है लाभ उठा रहे हैं, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि दोबारा से सर्वे करवाया जाए और जो पात्र लोग हैं उनको उसमें चयनित किया जाए और जो इतने वर्षों से इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं उनका नाम जो है वो काटने के आदेश दें। आपको बता दें कि भूतनाथ मंदिर परिसर में हर महीने हिमालयन विकलांग कल्याण संस्था द्वारा बैठक का आयोजन किया जाता है और विकलांगों की समस्या को सुना जाता है।